पार्टी लॉन्च लाया महाबचत ऑफर, अपनी शादी को बनाए यादगार। द फोर सीजन पार्टी लॉन्च के साथ मेक योर इवेंट मेमोरेबल। 785 महावीर चौराहा नूरुल्ला रोड करौली प्रयागराज। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध, यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मी मानदेय न मिलने से अपने ही विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विरोध करने लगे। मेडिकल कॉलेज में ठेके पर हर्ष एंटरप्राइजेस में नौकरी कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 3 महीने से नहीं मिला वेतन। वहीं स्वास्थ्य कर्मी दिन रात एक कोरोना सैंपलिंग से लेकर मरीजों की देखभाल तक करने में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि बाहर से आने वाले वीआईपी लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच तुरंत की जाती है, जबकि आज 1 बजे से शाम 5 बजे तक स्वास्थ्यकर्मी जो कोरोना मरीजों की देखभाल व सैंपलिंग का कार्य करते हैं अपनी जांच करवाने के लिए खड़े रहे, परंतु जिला चिकित्सालय में प्रधानाचार्य एमसीएमएस द्वारा अनदेखी करते हुए बाद में आने वाले रसूखदार लोगों की जांच तुरंत की जाती है, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों को जांच के लिए ददरौल भेजने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोप लगाते हुए सीएमएस एवं प्रधानाचार्य पर निशाना साधा और कहा है कि उनका शोषण लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते समस्त ठेका पर लगाए गए स्टाफ, नर्स एवं वार्ड बॉय आदि कार्य का बहिष्कार करते हैं। आइए सुनाते हैं स्वास्थ्य कर्मियों ने और क्या क्या कहा। सचिन कटियार साहब, ये बताइए क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्याएं सर ये हैं, कोरोना में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं क्वारंटाइन, ना तो खाना की कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना कोई रहने की व्यवस्था हम लोगों के लिए। रूम पे जाने के लिए किराएदार भी मना कर रहे हैं, मकान मालिक भी मना कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। मैडम ये बताइए क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? सर मेन प्रॉब्लम तो हमारी ये है, हम आइसोलेशन में 25 तारीख से ड्यूटी कर रहे थे, उसके बाद में हमारा सैंपल हुआ है। सैंपल होने के बाद में हमारे साथ में एक जो बंदा था पॉजिटिव आया है, फिर हमारा दोबारा सैंपल होना था, दोबारा सैंपल के हम आज 1 बजे से आए हुए यहाँ पे हैं। जो यहाँ पे वीआईपी पेशेंट आता है उनका गाड़ी के अंदर जाकर के सैंपल लिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों के सैंपलिंग के नंबर आती है तो पीछे हटा दिया जाता है। अगर हम ड्यूटी करेंगे, हम मरेंगे तो सैंपल किसका पहले होना चाहिए? स्टाफ का होना चाहिए, जनरल लोगों का पहले होना चाहिए? राइट। अगर हमारे पास हमारा इतना भी अधिकार नहीं तो फिर हम ड्यूटी क्यों करें, किसके लिए करेंगे? वैसे तो ये कहा था मेडिकल लाइन सबसे आगे, हम लोग योद्धा हैं, ऐसे कहे क्या योद्धा हैं? जब काम करना मरा तो हम कहाँ जाएं? काहे के क्वारंटाइन करे जाते हैं हम लोग? ना कोई सुविधा, ना कोई खाने की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, काहे के लिए किया जाता है? कुछ नहीं है। मेरा नाम रविंद्र है। रविंद्र जी क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या ये है, पहली बात तो 3 महीने से वेतन नहीं मिला हम लोगों को, ठीक है, इतना दिन रात काम करने के बाद भी। और पहली बात स्टाफ का यहाँ पे टेस्टिंग नहीं किया गया हमारे स्टाफ का, जो 1 बजे से खड़ा हुआ है, 4-4.5 घंटा हो गया लगभग। और जो कारों में बैठ रहे हैं जो लोग वीआईपी आ रहे हैं, जान पहचान है सीएमएस सर का या प्रिंसिपल सर का, कोई जान पहचान है जिनके डॉक्टरों का, उनका सबसे पहले टेस्टिंग किया जा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबसे मेन काम हमारा है, हम लोगों की टेस्टिंग नहीं करी जा रही, बात ये है। यहाँ पर ददरौल भेज रहे हैं यहाँ आने के बजाय, और जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है कुछ भी उसे यहाँ रखा जा रहा है, क्योंकि जान पहचान है उनकी, बात ये है। मतलब आपका कहना है कि आपके साथ में भेदभाव पूर्ण तरीके से काम? हाँ, भेदभाव हो रहा है, हम लोग ठेके वाले हैं, क्योंकि ठेका में समझा जा रहा ना हमें। तो किस कंपनी से हैं आप लोग? हर्ष एंटरप्राइजेज। जयवीर यादव। जयवीर जी ये बताइए क्या कुछ समस्या है आपकी और किस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? अरे हम लोग तो जी जान लगाए हैं, जी जान से जॉब कर रहे हैं यहाँ पर जी, 16,000 नौकरी कर रहे हैं यहाँ, 3 महीने सैलरी नहीं आई, फिर भी हम लोग सब पॉजिटिव, 20 स्टाफ पॉजिटिव हो चुका है, फिर भी हम लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। टेस्टिंग नहीं हो रही, पहले आज टेस्टिंग में 4-5 घंटे। तो आज आप लोग क्यों स्ट्राइक पे हैं? स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि यहाँ बाहरी लोगों सैंपल हो रहा है, जो स्टाफ यहाँ जो जॉब कर रहा है, हम लोग आए हैं, हम लोग का कोई जरूरी। और मूल समस्या क्या है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला, क्या समस्या है जी? 3 महीने, तीसरा महीना चल रहा, जबकि सरकार का आदेश है पेमेंट हर महीने टू महीने आना चाहिए, लेकिन अभी तक तीसरा महीना चल रहा है, हम लोग कोई पेमेंट नहीं मिला अभी तक। तो आप कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, आपका? जी ऋषभ यादव, स्टाफ नर्स। आप ये बताइए क्या समस्या है, आप लोग यहाँ स्ट्राइक पे खड़े हुए हैं, क्या दिक्कत है आप लोगों को? जी हम लोग 1 बजे का यहाँ पे आए, 1 महीने से ड्यूटी कर रहे हैं आइसोलेशन में, हम लोग का सैंपल नहीं लिया गया, और बाकी लोग हमसे पहले जो आ रहे हैं उनका सैंपल हम लोग से बाद में पहले हो जा रहा है सैंपल उनका, और हम लोग का अभी तक कुछ सैंपल नहीं हुआ है अभी तक। जी तो आपका कहना है आपका कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया? जी एक बार हम लोग को निगेटिव आ चुकी है, फिर भी हम लोग एक हम लोग के स्टाफ का एक जो स्टाफ था वो आ गया पॉजिटिव, फिर से हम लोग सस्पेक्टेड में है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने देर से आए, लेकिन हम लोग का कोई टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। 1 बजे से आए अभी, इतनी देर हो गई, 3-4 घंटे हो गए।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।